सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको झारखंड के पलामू जिला के बारे में आप लोगों के साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा जानकारी जरूर पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पलामू जिला के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। पलामू जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है जो भारत के झारखंड राज्य में स्थित झारखंड के 24 जिलों में से एक पलामू जिला के नाम से जाना जाता है। पलामू जिला झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर का जिला कहलाता है, जिस वजह से इसके पूर्व से पश्चिम की सीमा बिहार राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर डाल्टनगंज शहर में मौजूद है और पलामू जिला पलामू डिवीज़न के अंतर्गत आता है। पलामू जिला पहले झारखंड के परगना का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में पलामू को परगना से अलग करके पलामू जिला का गठन किया गया था। इस जिले का गठन 31 दिसंबर 1891 में परगना के बंटवारे के बाद किया गया था। इससे पहले पलामू एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुमंडल हुआ करता था। पलामू जिला के उत्तर भाग की ओर बिहार का औरंगाबाद जिला, गया जिला और रोहतास जिला, पूर्व भाग की ओर झारखंड का चतरा जिला, दक्षिण भाग की ओर झारखंड का लातेहार जिला, पश्चिम भाग की ओर झारखंड का गढ़वा जिला से घिरा हुआ है। पलामू जिला का इतिहास देखा जाए तो यह जिला झारखंड का एक बहुत ही खास इलाका माना जाता है, क्योंकि इसका पूरा इलाका जंगलों से और पहाड़ों से घिरा हुआ है। पलामू जिला का नाम पहले पालुन के नाम से मुगलों द्वारा जाना जाता था। साल 1771 से पहले इन जगहों पर राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लेकिन साल 1771 के बाद इन जगहों पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। पलामू जिला के मुख्य नदी का नाम सोन नदी, कोयल नदी और औरंगा नदी है। कोयल नदी के किनारे पर बसा यह जिला झारखंड की राजधानी रांची शहर से महज 121 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पलामू जिला में 3 अनुमंडल, 21 ब्लॉक, 19 अंचल, 2 लोकसभा, 5 विधानसभा, 200 डाकघर, 28 पुलिस स्टेशन, 260 ग्राम पंचायतें, 4 शहर और 1882 गाँव में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 5043 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पलामू जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 3,58,800 के करीब है। आबादी की बात करें तो पलामू जिला की कुल आबादी 19,40,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 10,06,000 है और महिला की आबादी 9,34,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 928 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 928 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 16,75,000 के करीब है, यानी कि 86% और मुस्लिम धर्म की आबादी 2,50,000 के करीब है, यानी कि 13% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िले में कई ऐसे महत्वपूर्ण कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जिसके माध्यम से पलामू जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नीलंबर पीतंबर यूनिवर्सिटी पलामू जिला का एक बहुत ही खास यूनिवर्सिटी है। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 64% के करीब है, यानी कि यहाँ के आबादी के अनुसार 64% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष की कुल साक्षरता दर 74.5% के करीब और महिला की कुल साक्षरता दर 53% के करीब है। पलामू जिला के 19,40,000 की आबादी में 12,40,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 7,50,000 पढ़े लिखे हैं और महिला 4,90,000 पढ़ी लिखी है। व्यवसाय की बात करें तो पलामू जिला की मुख्य व्यवसाय खेती है। यह जिला काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। खेती के लिहाज से यह जिला काफ़ी उपजाऊ है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान,
गेहूं और मक्का यहाँ की मुख्य फसल है। इस जिले में पेड़ पौधे भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लगभग यहाँ 970 तरह के पेड़ पौधे हैं, जिनमें 139 जड़ी बूटियों के पेड़ शामिल है। खनिज के मामले में पलामू जिला काफ़ी मशहूर है। इस जिले में कोयला, बॉक्साइट, लिथियम, डोलोमाइट और लोहा जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ बिहार कॉस्मेटिक और केमिकल लिमिटेड के कारखाने, जपला सीमेंट के कारखाने और फर्नीचर बनाने के व्यवसाय के अलावा कई और छोटे बड़े व्यवसाय इस जिले में स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो झारखंड का पलामू ज़िला में कई सारे टूरिस्ट स्थल हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों का सैर कर सकते हैं। पलामू ज़िला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार भीम चूल्हा, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू किला, बेटला नेशनल पार्क, विश्रामपुर किला और पलामू ज़िला का शाहपुर किला जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। सड़क रास्ते की बात करें तो झारखंड का पलामू जिला सड़क रास्ते के माध्यम से भारत के प्रमुख शहरों के अलावा बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 98 और नेशनल हाईवे संख्या 75 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गाँवों तक बस सेवा मुहैया कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो पलामू जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन इस सेंट्रल रेलवे जोन के धनवार डिवीज़न के अंतर्गत आता है। इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म और 6 पटरियां शामिल है। यह रेलवे स्टेशन रांची तोरी लाइन पर स्थित है। दोस्तों, पलामू जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।